ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका के चलते कांग्रेस चिंतित है। इंदौर की विधानसभा एक के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को नेहरू स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की चिंता सता रही है, जिसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की है। देखिए ये रिपोर्ट। स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की सियासी किस्मत की सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में पुलिस के साथ साथ अब कांग्रेस भी पहरेदारी के लिए तैनात हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस को आशंका है कि कहीं बीजेपी जीत के लिए हथकंडे अपना सकती है। यही वजह है कि इंदौर के नेहरू स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम के बाहर चौकीदारी करना चाहते हैं। लेकिन एक नंबर विधानसभा के प्रत्याशी और बाहुबली नेता संजय शुक्ला का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं को चौकीदारी करने नहीं दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में उन्होंने जिला प्रशासन को आवेदन दिया। सब परमिशन यही आ रही है कि परमिशन अधिकारी लोग दे रहे हैं तो वहाँ सीआरपी है वो यार लोग हमको बैठने नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे बोला बाहर रहिए क्या रहे, तो एक बार हम क्लियर हो जाए कि इंदी बैठने देना या अंदर नहीं जान देना, हमको क्या करना है, तो क्लियर हो जाए। पूरे प्रदेश के अंदर लोग बैठ रहे हैं तो हमारे इंदौर में क्यों नहीं बैठ रहे। सीआरपी कभी बोल रहे कि बोला हम नहीं बैठने देंगे, हम गोली मार देंगे वहाँ पे, बोला बाहर के आदमी बैठने नहीं देंगे, तो चुनाव आयोग तय तो करे कि भाई वो लोग बैठने देंगे नहीं देंगे। तीन दिन से हम लोग सब लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि भैया हमारे आदमी लोग बेचारे वहाँ परेशान हो रहे हैं, तो चाहते हैं कि मतलब खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो डर आएगा। सरकार बीजेपी की है, अब सब उनके अंडर में, हम चाहते हैं कि हमारा आदमी हो अंदर रहें और उसको ही निवेदन कर रहे हैं कि मतलब हम संतुष्टि रहेगी, इसीलिए निवेदन करना है। आज सबसे मिलने आए हो तो हमें शिकायत भी करिए कि भाई पूरे प्रदेश में लोग बैठ रहे हैं, हमारे कमलनाथ जी बोल रहे हैं, दिल्ली सब लोग बोल रहे हैं कि आप अपना आदमी रहिए, परंतु यहाँ पे हमको तीन दिन हो लगातार परमिशन लेते हुए हमको दिक्कत आ रही है। परमिशन दे दी उन्होंने परंतु वहाँ के अधिकारी हमको बैठने नहीं दे रहे हैं। वहीं एडीएम निधि निवेदिता का कहना है कि जिन प्रत्याशियों ने ईवीएम की निगरानी के लिए अनुमति मांगी है उन्हें दे दी गई है। राजनीतिक दल जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको ये प्रावधान भी है कि वो स्ट्रांग रूम की निगरानी कर सकते हैं। वो स्वयं या उनके किसी एजेंट के माध्यम से स्ट्रांग रूम की निगरानी वो कर सकते हैं। इसी के मार्फत कुछ अभ्यर्थियों ने ऐसी अनुमति चाही है जो रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा दी गई। अभी तक की जानकारी के अनुसार 9 ऐसी अनुमतियां जो हैं जारी की गई। गौरतलब है कि भोपाल और सागर एवं खरगोन से ईवीएम को लेकर शिकायत होने के बाद अब इंदौर के कांग्रेस नेता भी सतर्क हो गए हैं, जिसके लिए खुद संजय शुक्ला डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।